गाइस गाइस गाइस, वी विल बैक अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज हम दोबारा आ चुके हैं अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आज हम कौन सा पजल अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह आज आपने फिर से गैस कर लिया होगा थंबनेल देख के। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं जेली क्यूब। अब जेली क्यूब क्या होता है वो अनबॉक्स करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते ओपन करके। निकल जा, ये क्या था भाई, इसको साइड करते हैं। बॉक्स देख के लग रहा है ये हमें मिलता है कि मी लॉन्ग की तरफ से, लेकिन जितना मैंने सोचा था व्हाट है, क्या हमारे साथ स्कैम हो गया यार? कसम से आपको बता दो, हमने तो जेली के बॉर्डर किया था, जबकि मैंने इसको अनबॉक्स करके देखा नहीं था कि इसमें कौन सा पजल मिलने वाला है। मैं यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि हमने कौन सा पजल ऑर्डर किया था और हमें कौन सा मिल चुका है। यार हमारे साथ कुछ स्कैम हो गया यार। अनबॉक्स करने से पहले बाहर से देखने रहते कि बॉक्स कौन था। ये बॉक्स मिलता है मी लॉन्ग 3C 3x3x3 रूबिक क्यूब मोयू की तरफ से, जो कि आप देख पा रहे हो। नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो यार जेली क्यूब ऑर्डर किया था। मैं आपको बता दूं जेली क्यूब होता क्या है, हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है जेली क्यूब, उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यार मैं तो अपसेट हो गया, मैंने तो जेली क्यूब ऑर्डर किया था। खैर कोई ना, इसकी भी बात कर लेते हैं। ओ क्या हो गया भाई, टर्निंग तो काफी मजेदार है यार, मजेदार। जैसे कि इसके स्क्रू थोड़े से हमें, मुझे लगता है थोड़े से ढीले होंगे। देखो तो आप शायद देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रू लगे हुए, इसको अगर हम थोड़ा सा टाइट करेंगे ना तो शायद ये स्मूथ चलेंगे। अभी तो कुछ ज्यादा स्मूथ, जैसे कि सब कुछ ढीला, मतलब कि ढीले पड़ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं इसको थोड़ा भी फैलाएंगे तो ज्यादा फैल रहे। लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा, हमने तो जेली के ऑर्डर किया था, इस बॉक्स में हमें तो नॉर्मल 3x3 रूबिक्स क्यूब डिलीवर हुआ है। अब इसको कंप्लेन किसको की जाए यार, इसको तो ऑर्डर करके काफी देर हो चुकी, पता नहीं इसको ऑर्डर करके बहुत टाइम हो चुका, पता नहीं रिप्लेस होगा भी या नहीं, देखना पड़ेगा हमें कब ऑर्डर किया था, हमें कब हमें मिला है। वैसे ये क्यूब भी बुरा नहीं है, टर्निंग काफी स्मूथ है, और बॉक्स देख के लगता है हमें मीलोंग की तरफ से, मोयू की तरफ से मिलता है। क्या लिखा है, क्यूबिंग क्लासरूम। यार स्कैम हो गया दोबारा से। वैसे ये क्यूब भी बुरा नहीं है, बट फिर से मैं बोलूंगा मैंने तो जेली क्यूब ऑर्डर किया था। अब जेली क्यूब होता क्या है मैं आपको दिखा दूं। हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास जेली क्यूब रखा हुआ है एक, और या तो अभी भी डब्बे में ही है, और ये मैंने बहुत पहले, बहुत काफी पहले ऑर्डर किया था, जो कि इस पर अनबॉक्सिंग वीडियो कुछ बनाया नहीं, मैं ऐसे लेके बस रखा हुआ था मेरे पास, और ऐसे डब्बे में हमें मिला था, तो इसके अनबॉक्सिंग वीडियो ही क्या बनाना। इसको साइड करते हैं। अब आपको दिखा दो जेली क्यूब आखिर होता क्या है। अब इसके कलर स्कीम देख रहे हो, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ब्राइटनेस की वजह से, हाँ अभी शायद दिख रहा होगा। इसकी कलर स्कीम कुछ इस तरह होती है, जैसे कि अपनी जेली होती है ना, जो आप हर किसी के घर में पड़ी होगी जेली, जेली आपको तो पता ही क्या होता है। इसकी कलर स्किन बिल्कुल जेली की तरह नजर आती है, होता सेम 3x3 की तरह ही है, लेकिन बस इसकी कलर स्किन जो जेली की तरह होती है, जैसे कि आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखो सेम 3x3 की तरह, ऊपर से व्हाइट, ये भी व्हाइट, यहां से रेड, तो इसका थोड़ा ये भी रेड है, बस मैं जैसे कि क्यूब का नाम जेली क्यूब, तो इसका रेड जो है जेली स्किन में आता है। यहां से टर्न करेंगे तो ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, बस ये थोड़ा जेली टाइप है। यहाँ टर्न करेंगे तो ये भी ऑरेंज, नीचे से येलो। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ज्यादा समझाने की जरूरत है भी नहीं। और ये मेरे पास बहुत पहले से रखा हुआ था, जो कि इसको मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया था, सोचा एक और न्यू ऑर्डर करते और अनबॉक्स वीडियो बनाते, लेकिन ये तो स्कैम हो गया भाई हमारे साथ।
हमने जेली क्यूब ऑर्डर किया था और ये हमें मिला है 3x3 रूबिक्स क्यूब। यार यार मतलब कि क्या ही बोलो, अभी क्या ही बोलो, मतलब कि कंप्लेन तो करूंगा मैं इस चीज़ की, लेकिन पता नहीं रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑर्डर करके बहुत टाइम हुआ था, अनबॉक्सिंग वीडियो में काफ़ी लेट बना रहा हूँ इसीलिए शायद। अब इसमें गलती किसकी, मेरी है या कस्टम वालों की? खैर मैं तो छोड़ने वाला नहीं किसी को। हाँ इस वाले जेली क्यूब की बात करते हैं, अब इसके बाद ही क्या करना, ये तो काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने इसके अंदर लूप किया है तो टर्निंग भी काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी मज़ेदार है। एच पम्प करके देखते हैं। वाओ टीपन, यार ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ ज्यादा ल्यूब इसके अंदर गिर गया है, क्योंकि मेरे हाथ पे भी ब्लू ब्लू मतलब कि लग रहा है। इसके मैकेनिज्म भाई, ये जेली क्यूब काफी भारी नजर आ रहा है, जैसे कि ये क्यूब तो थोड़ा हल्का है लेकिन ये क्यूब थोड़ा भारी लग रहा है मुझे। यार क्या ही बात करना, मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ यार। ऑर्डर किया था जेली क्यूब, मिला हमें 3x3 रूबिक्स क्यूब। खैर क्या कर सकते हैं, इसके तो मैं कंप्लेन करूंगा, आपको भी दिखा दूंगा कि हमने कौन सा क्यूब ऑर्डर किया था। मैंने कहा कि आपको स्क्रीनशॉट देखने मिल जाएगा, हमने ऑर्डर किया था जेली क्यूब, जो कि यहाँ पे मैं लगा दूंगा साइड में, आप देख देना तब भी। घपला स्कैम हो गया, कोई बात नहीं, देखते मिलते अगली किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको तो पता ही क्या करना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।